घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत पनू के गांव सनोर के जीत राम ठाकुर अपनी आंखों के सामने अपने खून पसीने से कमाई गई फसल को तबाह होते देखने को मजबूर है। हालांकि उन्होंने इस बारे में गावर कंपनी के अधिकारियों को भी अवगत करवाया, लेकिन समस्या जैसे की तैसी ही बनी रही। बताते चले कि ग्राम पंचायत पनू के गांव सनोर के जीतराम ठाकुर हर वर्ष 6 से 7 लाख की नकदी फसल का व्यापार करते हैं, जिसमें खीरा, करेला, शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी आदि शामिल है, तथा ये हर वर्ष अपनी जमीन से सैकड़ों क्विंटल सब्जी का उत्पादन करते हैं। लेकिन गत कुछ वर्षों से नेरचो कीर्तिपुर सड़क निर्माण कंपनी द्वारा उनकी जमीन के साथ ही मिक्सर प्लांट लगा दिया है, जिसके चलते वहां हजारों टन बजरी मिक्स होती है तथा उससे निकली धूल ने ग्रीन हाउस के अंदर उपजी फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जीतराम ठाकुर ने बताया कि वे फूलगोभी के सीजन में लगभग 80 क्विंटल तैयार करते हैं, लेकिन इस बार हजारों रुपए से खरीदा गया बीज व अन्य दवाइयों पर लगाए गए पैसे भी व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि प्लांट से निकली धूल ने सारी फसल को तबाह कर दिया है। उन्होंने इस मामले में उपायुक्त बिलासपुर से भी गुहार लगाई है कि उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के चलते उन्हें प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि या तो इस प्लांट को किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाए या उन्हें हुए नुकसान की हर वर्ष भरपाई की जाए, तथा यदि यही हाल रहा तो उनका परिवार भूखमरी का शिकार हो जाएगा। चंबा हलचल के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट। गाबर कंपनी ने जो मेरी ग्रीन हाउस के पास जो WMM का प्लांट लगाया हुआ है, इसमें रेता बजरी छानते हैं, और ग्रीन हाउस के पास जब रेता बजरी का डंप किया, जब वो उतारते हैं और छानते हैं तो इतनी डस्ट निकलती है, जो मेरी गोभी के ऊपर बैठ गई और ऊपर जो ग्रीन हाउस की सीटें हैं उन पर एक एक सेंटीमीटर जो है परत जम गई है मिट्टी की, डस्ट की, जब भी काम करते हैं लगातार रात दिन चला हुआ काम। मेरी कम से कम 40 क्विंटल गोभी निकलती है इसमें एक सीजन की, तो सारी ख़त्म हो गई इस प्लांट की वजह से। और जो डंप किया हुआ माल यहाँ रेता बजरी, इसकी वजह से मेरा 6-7 लाख का प्रति वर्ष का नुकसान हो गया। मैं 200 क्विंटल यहाँ ग्रीन हाउस से खीरा निकालता हूँ और 85 क्विंटल दो टर्मों में, जो दो इसमें सीजनों में 85 क्विंटल गोभी निकाली थी पिछले बार, तो इस तरह इन्होंने मेरा सारा रोज़गार खत्म किया। हमारे पास इसके सिवाय कोई और रोज़गार है नहीं है, तो हमारा आगे ना खीरा होगा ना कोई सब्जी होगी, हमारा पूरा सारा परिवार का इन्होंने सारा रोज़गार खत्म कर दिया है। इतनी तब बजे सारी डस्ट बैठी हुई है इसके ऊपर, इसी ग्रीन हाउस की सीटों के ऊपर एक ही सेंटीमीटर, और यहाँ से जब इसको चालू करते हैं लगाते हैं तो इसमें इतनी डस्ट निकलती है कि हमें घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है।